हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा शर्मा बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करेंगे दैट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वी हैव रेड अबाउट द एक्टिविटी सीरीज। हमने एक्टिविटी सीरीज की बात करी थी इससे प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज द अरेंजमेंट, दैट इज अ लिस्ट इन विच द मैटर्स आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटीज। अब उसको यूज करते हुए कैसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पता कर सकते हैं एंड वॉट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज सिंपली अ रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव मैटर displaces a less active metal from its compound, or a reaction in which a more active non-metal displaces a less active non-metal from its compound is called displacement reaction. सिंपल शब्दों में कहें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें जो लेस एक्टिव मेटल या नॉन मेटल है उसके कंपाउंड में से उसको एक मोर एक्टिव मेटल या फिर नॉन मेटल रिस्पेक्टिवली डिस्प्लेस कर देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। वी आर टेकिंग हियर एग्जांपल ऑफ आयरन एंड कॉपर सल्फेट। यहां पर हम बात कर रहे हैं आयरन और कॉपर सल्फेट की, दैट हाउ द रिएक्शन विल प्रोसीड व्हेन वी विल एड iron nail in a solution of copper sulfate. Copper sulfate solution is normally of blue color. ये blue color का होता है. When the iron nail is dipped inside, इसको जब डाला जाता है copper sulfate में, reaction happens because Fe comes first in the activity series and it is more reactive metal than copper. ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है एंड व्हाट इट विल डू, ही विल डिस्प्लेस। आपको एक एग्जांपल दे देते हैं नॉर्मल सा, कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा है हर एक्टिविटी में, तो उसको हम मॉनिटर के प्लेस पे डाल देते हैं एंड देन हम कहते हैं कि अब इससे एक्टिव कोई और होगा, इससे अच्छा कोई और होगा, फिर हम उसे मॉनिटर बनाएंगे। सो सिंपली इफ देयर इज समवन व्हिच इज मोर रिएक्टिव, इट विल डिस्प्लेस someone less reactive from its compound. Here iron is more reactive and it is less reactive. So from copper sulfate, iron will displace it and it will form this thing, that is ferrous sulfate. और वो बना लेगा ferrous sulfate. और इस वजह से जो copper है इसकी एक layer iron nail के ऊपर पे deposit हो जाएगी and the solution will change from blue to pale grey. So this is one of the example of displacement reaction. Let's move further to the next example. अब next example की बात करते हैं। We are taking here silver nitrate. Here this is less reactive than copper. Here copper is more reactive and it is less reactive. So more reactive will try to come into a group. ये इस ग्रुप में आने की कोशिश करेगा, इस कंपाउंड में से इस चीज को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा एंड इट विल फॉर्म कॉपर नाइट्रेट। और यहां पर ये कॉपर नाइट्रेट बनाएगा एंड इट विल बी लेफ्ट अलोन एंड इट विल रिमेन लाइक दिस। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट। हियर मैग्नीशियम इज समथिंग व्हिच इज मोर रिएक्टिव, इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो व्हाट इट विल डू, इट विल डिस्प्लेस कॉपर। जहां पर कॉपर है उस जगह पर मैग्नीशियम आ जाएगा एंड इट विल बी लेफ्ट अलोन। सो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट एंड दिस इज कॉपर। दिस इज हाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। अब हमने यहां तक बात करी है मेटल्स की, दैट हाउ अ मोर रिएक्टिव मेटल more reactive metal displaces less reactive metal।
अब इसके बाद हम बात करेंगे दैट हाउ अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज ऑफ नॉन मेटल्स. इफ वी विल मेक सीएल टू क्लोरीन रिएक्ट विद पोटेशियम ब्रोमाइड, हियर सीएल इज मोर रिएक्टिव दैन बीआर. क्लोरीन जो है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है ब्रोमीन से एंड इट विल डिस्प्लेस बीआर एंड इट विल फॉर्म टू केसीएल दैट इज पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन. सो दिस इज हाउ अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल displaces a less reactive non-metal. Let's move to another example. यहां पर we are taking Cl2 again and there is 2Ki. This is potassium iodide. ये है potassium iodide. From here also we can see that it is more reactive and it is less reactive. So we have to simply exchange them. There will be formation of 2KCl. And iodine. So this is the these are the examples of displacement reaction. Now one more thing. ये हमने बात करी that how more active metal displaces less active metal, how more active non-metal displaces less active non-metal. अब हम बात करेंगे that in the activity series when we move downwards there comes hydrogen in between. एक जगह पर हाइड्रोजन आता है. From there, the metals which are present above hydrogen in the activity series. Activity series में जो metals hydrogen के ऊपर present है वो hydrogen को replace कर सकते हैं from the dilute acids. Dilute acids में जो hydrogen है that can be replaced by the more active metals which are present above hydrogen in the activity series. Let's take some examples. Here you can see Zn is present above H. So Zn can replace H from H2SO4. Hydrogen replace karega, it will form ZnSO4 plus H2. Okay, this is one of those examples. Next is iron also. Iron is also present above hydrogen in the activity series. जो हम activity series लिखते हैं पूरी, जो पूरी list है उसमें hydrogen के ऊपर वाले जो metals हैं वो dilute solution में से dilute acid के solutions में से hydrogen को replace कर सकते हैं. Here is the next example. Fe plus 2HCl. There will be the formation of FeCl2 plus H2. You can see there. Okay. So these are examples of displacement reaction. अब बात करते हैं double displacement reaction. What are double displacement reaction? हमने displacement reaction में देखा था. Let's take an example. Fe plus CuSO4. FeSO4 plus Cu. There was only one thing which we were displacing from the compound. In compound में से एक चीज हटाई and there was a single thing reacting. But in double displacement reaction, if there are two compounds exchange their ions to produce new compounds. These kind of reaction in which two compounds exchange their ions to produce new compounds are called double displacement reaction. इस तरीके की reactions को हम double displacement reaction कहते हैं. अब double displacement reaction के एक example देख लीजिए. BaCl2 that is barium chloride plus Na2SO4 that is sodium sulfate.
सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब हम रिएक्ट करवाएंगे देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl. हियर यू कैन सी दैट दीज लास्ट टू थिंग्स आर एक्सचेंज्ड. ये दोनों जो चीजें थी ये एक्सचेंज हो चुकी है. बीए के साथ में सीएल था पर जब न्यू चीज बनी जो नया प्रोडक्ट आया यहाँ पर बीए के साथ में SO4 है दैट इज सल्फेट आयन. बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड. हियर Na वाज विद SO4 एंड नाउ Na इज विद सीएल. सो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन the compounds. Okay, here is an exchange of ions between the compounds to form new compounds, new products. That reaction is called double displacement reaction. Double displacement reaction ki do cheeze hamesha yaad rakhne wali hai. That is, first thing is double displacement reactions usually take place in solution form, and second thing is one of the products is precipitate generally. मोस्टली केसेस में वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज प्रिसिपिटेट. और ये जो रिएक्शंस हैं दैट आर डन इन द सॉल्यूशन फॉर्म, ये सॉल्यूशन फॉर्म में ही होते हैं. हम इसकी बात कर चुके हैं. कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, लीड नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड there will also be the exchange of ions. इनके ions exchange होंगे and there will be the formation of lead iodide which will be the precipitate. Lead iodide plus potassium nitrate and potassium nitrate. These are the two examples of double displacement reaction in which one of the product is precipitate. Here lead iodide is precipitate and here barium sulfate was precipitate. Now the double displacement reaction can be of other type. Usme aata hai neutralization reaction and these two are showing precipitation reaction. In neutralization reaction, what happens? An acid combines with base. They both exchange their ions. They both exchange their ions and form salt plus water. These are called neutralization reaction because after reaction, the products form are neutral to litmus. All of us know that acid is not neutral in case of litmus, base is not neutral in case of litmus, but salt and water are neutral to litmus. They are neutral to litmus. That's why this kind of reaction are called neutralization reaction, and these come in the category of double displacement reaction also, because here you can take example NaOH base plus HCl, that is acid. They will exchange their ions NaCl plus H2O. It is water, it is salt. Here double displacement is taking place as well as it is also a neutralization reaction. So these are few examples of displacement and double displacement reaction. If you like the video, please like, share, subscribe, and thank you for watching.